हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कस्या वीडियो में। मैं आप सभी को आज बताने जा रहा हूँ बहुत बड़ी खुशखबरी आप सभी के लिए। जो है ये देखिए, झारखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती जो है आ चुकी है 2024 में। झारखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती जो है आ चुकी है 2024 में आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। पोस्ट है जो है वो कांस्टेबल है, मतलब सिपाही की भर्ती है। इसमें जो टोटल पोस्ट हैं 4,919 पोस्ट हैं इसमें टोटल। और इसमें एलिजिबिलिटी जो मांगी गई है, इसमें जो योग्यता मांगी गई है, मतलब इसमें जो योग्यता मांगी गई है, क्लास 10th मैट्रिक एग्ज़ाम इन एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन इंडिया, मतलब हाई स्कूल पास मांगा गया है किसी भी बोर्ड से। मतलब हाई स्कूल का जो है सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास किसी भी बोर्ड से। और इसमें जो है फिजिकल एलिजिबिलिटी, मतलब फिजिकल एलिजिबिलिटी जो मांगी गई है, शारीरिक योग्यता जो मांगी गई है। इसमें हाइट जो है, पुरुष की जो हाइट मांगी गई है 160 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, मिनिमम 160 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए पुरुष की। और जो महिला की हाइट मांगी गई है, मिनिमम मतलब न्यूनतम हाइट होना चाहिए महिला की 148 सेंटीमीटर मांगी गई है महिला की हाइट। और जो चेस्ट मेल ओनली, मतलब सिर्फ पुरुष के लिए जो चेस्ट मतलब सीना मांगा गया है 81 सेंटीमीटर होना चाहिए, मतलब पुरुष का जो सीना होना चाहिए, चेस्ट होना चाहिए न्यूनतम 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। और जो रनिंग मांगी गई है, रनिंग जो मांगी गई है मतलब दौड़ जो मांगी गई है पुरुषों के लिए 10 किलोमीटर इन 60 मिनट, मतलब 10 किलोमीटर मांगी गई है दौड़ 60 मिनट में, मतलब एक घंटे में पूरी करनी होगी 10 किलोमीटर दौड़ पुरुष को, मतलब पुरुष के लिए मांगी गई है ये दौड़। और जो फीमेल यानी महिलाओं के लिए जो दौड़ मांगी गई है, इसमें 5 किलोमीटर इन 30 मिनट, मतलब 5 किलोमीटर दौड़ पूरी करनी होगी 30 मिनट में, मतलब आधे घंटे में महिलाओं को। तो इसमें यही मतलब फिजिकल एलिजिबिलिटी मांगी गई है, मतलब शारीरिक योग्यता मांगी गई है। और क्लास 10th पास होना चाहिए आप सभी को किसी भी बोर्ड से। और इसमें जो है एज लिमिट मांगी गई है, मतलब आयु सीमा जो मांगी गई है वो 18 से 25 वर्ष मांगी गई है, मतलब मिनिमम एज जो है 18 वर्ष है फॉर्म भरने की, और जो मैक्सिमम एज है 25 वर्ष है। और इसमें जो है एप्लीकेशन फ़ी जो है, तो फॉर्म भरते समय जो फ़ीस कटेगी, फॉर्म भरते समय जो फ़ीस कटेगी आप सभी की जो है 100 रुपये कटेगी इसमें फ़ीस। जनरल OBC और EWS के लिए जो है 100 रुपये फ़ीस है, और 50 रुपये जो है SC ST वालों के लिए है। और इसमें जो है एप्लीकेशन बिगिन, मतलब एप्लीकेशन जो प्रारंभ हो रहे हैं, मतलब भरना एप्लीकेशन जो फॉर्म भरना स्टार्ट हो रहे हैं, तो इसके जो है एप्लीकेशन फॉर्म जो है ऑनलाइन भरे जा रहे हैं। तो ऑनलाइन ही आपको जो है अप्लाई करने होंगे फॉर्म, मतलब फॉर्म भरना इसके स्टार्ट हो चुके हैं, मतलब 22 जनवरी से। तो 22 जनवरी से इसके फॉर्म जो है भरना स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट जो है इसकी अप्लाई करने की, तो लास्ट डेट इसकी अप्लाई करने की लास्ट डेट है 21 फरवरी 2024, मतलब 21 फरवरी है इसकी लास्ट डेट अप्लाई करने की फॉर्म को, अप्लाई करने की ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना होगा आप सभी को। झारखंड पुलिस कॉन्स्टेबल का टोटल पोस्ट है 4,919, मतलब बहुत ही बढ़िया मतलब वैकेंसी हैं, आप सभी लोग जो है अप्लाई कर दीजिए इसको। मतलब किसी भी स्टेट के विद्यार्थी जो है इसे अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो है सैलरी वेतनमान जो है इसमें 21,700 से 69,100 तक, मतलब इसमें वेतनमान है। और इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है, मतलब इसमें मतलब सिलेक्शन कैसे होगा, मतलब सिलेक्शन की जो प्रक्रिया है, चयन की जो प्रक्रिया है, सबसे पहले इसमें जो है PET होगा, मतलब फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा इसमें, मतलब दौड़ होगी, रनिंग होगी, जो कि पुरुषों के लिए जो है 10 किलोमीटर मांगी गई है रनिंग एक घंटे में, और महिलाओं के लिए जो है 5 किलोमीटर मांगी गई है 30 मिनट में, मतलब आधे घंटे में। तो वही मतलब फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा आप सभी का सबसे पहले, और फिर उसके बाद जो है PET के बाद, फिर जो है उसके बाद जो है मेडिकल होगा आप सभी का, मतलब पहले PET होगा फिर उसके बाद जो है मेडिकल होगा। मेडिकल मतलब चिकित्सीय जाँच होगी आप सभी की, फिर मेडिकल के बाद जो है रिटर्न एग्ज़ाम होगा, लिखित परीक्षा होगी, फिर रिटर्न एग्ज़ाम के बाद जो है DV होगा, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर उसके बाद जो है आपका फाइनल रिजल्ट घोषित होगा। तो यही जो है इसकी चयन प्रक्रिया है, सिलेक्शन प्रोसेस है, पहले PET होगा, फिर मेडिकल होगा, फिर रिटर्न एग्ज़ाम होगा, फिर जो है DV होगा। तो चार प्रक्रियाओं से जो है गुजरना पड़ेगा आप सभी को, मतलब चार स्टेप है इसमें, मतलब सिलेक्शन प्रोसेस के, चयन प्रक्रिया के जो है चार स्टेप हैं, चार स्टेप से मतलब गुजरना होगा आप सभी लोगों को, तभी आपका जो है फाइनल सिलेक्शन होगा इसमें। तो आप सभी लोग जो है देरी ना करिए, जल्द से जल्द जो है इस फॉर्म को जो है अप्लाई कर दीजिए। किसी भी स्टेट के मतलब विद्यार्थी इस फॉर्म को जो है ऑनलाइन फॉर्म मतलब अप्लाई कर सकते हैं किसी भी स्टेट के विद्यार्थी।
तो मैंने आप सभी को जो है इसकी डिटेल बता दी है, आप सभी को इसका जो है मैं आपको जो है सिलेबस बता दूंगा, सिलेबस जो है बता दूंगा, सिलेबस की मतलब वीडियो लेकर आऊँगा आप सभी लोगों के लिए। तो आप सभी लोग जो है अगर आप चैनल पर नए हो, वीडियो पर नए हो, तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसी मतलब वीडियो पाने के लिए, ऐसी मतलब लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए, किसी भी वैकेंसी से संबंधित लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए, लेटेस्ट न्यूज़ पाने के लिए। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।